पे देखोगे तो आप चारों तरफ मैनी हो रहा है और उसके आसपास इर्द गिर्द में आप देखोगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री बन रहा है। देखिए आपका यहाँ से पहले सबसे पुराना एक पावर प्लांट था इप थर्मल पावर प्लांट, जो अभी उसका एक्सपेंशन होकर 1300 मेगावाट का एक्सपेंशन हो रहा है। उसके पास में एक नया पावर प्लांट आ रहा है जिसमें 1350 मेगावाट का विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा दूर में अपने यही जिला में बहुत सारे फैक्ट्रीज भी यही खादान के चलते शुरू हो गया। वहाँ पे वेदांता का 2200 मेगावाट का एक पावर प्लांट है यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर में, और एरियल डिस्टेंस जिसका 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंदर आएगा। उसी तरह आदित्य बिरला का सबसे बड़ा अल्यूमिनियम फैक्ट्री प्लांट के साथ साथ उसका भी पावर प्लांट आ रहा है। और उसके बावजूद बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे 33 प्लांट है हमारे इस इलाका में, इस आसपास इर्द-गिर्द में स्पंज आयरन को लेकर और पावर प्लांट को मिलाकर और अल्यूमिनियम फैक्ट्री को लेकर। तो ये टोटल देखेंगे तो ये कोल माइनिंग्स को आधार करते हुए जो यहाँ पर जो इकोनॉमी बन रहा है उसका एनवायरमेंट पर जितना इफेक्ट आ रहा है, आम जनता के ऊपर जितना इफेक्ट आ रहा है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। ये गांव बहुत पुराना गांव है, गांव का नाम है छरला। यहाँ 130 परिवार रहते थे, आप सब छोड़ के चले गए हैं और अभी 10 परिवार रहते हैं। वहाँ बहुत खेती चास सब चल रहा था, जंगल भी था। यहाँ मेरा 7 एकड़ 10 डिसमिल जमीन था जो MCL ने ले लिया है 2 एकड़ करीब, अभी 3-4 एकड़ बचा है उसमें मैं खेती कर रहा हूँ। और इसके बाद कहाँ जाना है, मेरे घर छोड़ने का जो बोल रहा है ऐसे ही घर छोड़ दो, कोई जगह भी नहीं दिया है, जगह का पट्टा नहीं दिया है ना घर का पैसा दे रहा है। अभी नोटिस भी जारी कर दिया है, MCL सब जमीन को तोड़ दिया है और ब्लास्टिंग हो रहा है, जो घर सब फट गया है। अभी माही छोड़ने के बोल रहा है गांव, हम खेती कैसे करेंगे, कहां जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोयला अपन का उसमें खुल रहा है तो पानी स्रोत में बाधा आ रहा है, वो बहुत जंगल ध्वंस हो रहा है। और यहाँ से जो ज़्यादा मशीन खोला मैदान से चल रहा है तो वो किसी धूली वाली उड़ने से लोग को बीमारी हो रहा है, श्वास रोग हो रहा है। वो घास पत्थर ने भी वो कोला गुण पड़ने से ये गोरु गाय गृहपालित पशु के भी बहुत बीमारी यहाँ से बढ़ चल रहा है। हमारा ये गांव 87 के पहले बहुत खुशहाली में था, हमारा पूर्वजों ने बहुत शांत से खेतीबाड़ी करके यहाँ बच रहा था, अच्छा से बच रहा था, यहाँ कोई पोल्यूशन का शिकायत नहीं था, कोई पानी का प्रॉब्लम नहीं था, कोई हवा का, कोई साउंड का ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं था, जंगल भी भरपूर था, जैसे कि परिवेश भी अच्छा था, बहुत खुशहाली में हम लोग रहते थे। कोल माइन स्टार्ट होते होते यहाँ जो रोड रास्ता था वो भी बर्बाद हो गया, और आज ऐसा पोजीशन आ गया है कि माइंस वाला किसी को कोई सुविधा भी नहीं दे रहा है, और हमारा गांव का हर प्रांत में जो गड्ढा हो गया कम से कम 150 मीटर का गड्ढा हो गया, 150-200 मीटर का, वो अभी जो पानी है मतलब खींच रहा है वो गड्ढा, जैसे कि हमारा कुआं नलकुआं ये सब सूख रहा है, किसी में अच्छा से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम पानी का इतना जोर हो गया है कि मुश्किल है पीने का पानी में, कोयले का डस्ट आता है, तालाब में पानी नहीं रहता है, कुएं में पानी नहीं रहता है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि
जमीन में खेती नहीं हो पा रहा है, कोई भी मतलब जैसे कि पनी परिवार हमारा रहता है, सब्जी सब्जी का चास यहीं बहुत होता था, वो चीज़ भी खत्म हो गया। मतलब ऐसे पोजीशन में हम लोग है अभी, जिंदा जिंदा मरने का लायक हो गया है। जो ठंडा के महीना था वो धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा है और बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है। जो नवंबर दिसंबर से शुरू होता था अब जनवरी के बीच में शुरू होकर एक दो हफ्ते अब एक हफ्ता या दस दिन के बाद वो खत्म होते जा रहा है। और एक चीज हो रहा है कि जिस तक बाहर ये ठंडे आ रहा है जैसे 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे तक चला आता है, नॉर्मली यहाँ कभी नहीं आता था, यही एक पहलू है। उसके साथ साथ देखेंगे तो बारिश का जो पैटर्न था वो भी काफ़ी बिगड़ चुका है। बारिश यहाँ पे ये फॉरेस्ट से भरा हुआ था, हर रेगुलर बारिश होता था। जब उड़ीसा में कहीं पे मरुड़ी की बात आता है तब भी यहाँ पर ज़्यादातर कभी ड्रॉ या मरुड़ी का सिचुएशन नहीं तैयार होता था। तो लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि एक तो बारिश का जो दिन पहले था शुरुआती दिन वो पीछे हटते जा रहे हैं, एक महीना डेढ़ महीना ऐसे ऐसे धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। उसके बाद जो बारिश का जो परिमाण था वो भी धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। तो इससे हमारा कृषि को प्रभाव कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और देखेंगे तो पूरे यहाँ का जीव जंतु मानव सबके ऊपर ये जो परिवर्तन आ रहा है, वायुमंडल का जो परिवर्तन आ रहा है उसका ऊपर साफ दिखाई दे रहा है।